नमस्कार, आप सबका स्वागत है और आप देख रहे हैं YouTube चैनल खबर आप। मेहमानों को मिले शादी के छूट में, यानी कि एक से ज्यादा शादियां करने को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की गई है। जन उद्घोष सेवा संस्थान और चार महिलाओं ने इस याचिका को एडवोकेट विष्णु जैन और हर्ष जैन के थ्रू दायर किया गया है, जिसमें मांग की गई है कि हिंदुस्तान में बने कानून में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोर्ट में दी गई याचिका में कहा गया है कि मुसलमानों को शरीयत मुस्लिम पर्सनल लॉ के 1937 की धारा 2 को रद्द करने की मांग की गई है, जिसमें मुसलमानों को 4 शादियां तक करने को मंजूरी दी गई है, जबकि भारत के दूसरे समुदाय हिंदू, ईसाई, पारसी, सिख, बौद्ध, जैन, इनको केवल एक पत्नी के जीवित रहते आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। ये धारा 494 का उल्लंघन है और इसके तहत 7 साल कैद तक की सजा का प्रावधान है। अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कहा गया है कि इस प्रकार के कानून का धर्म के आधार पर अन्य अपराधों का भिन्न भिन्न होना धार्मिक रूप से भेदभाव को इंगित करता है, जो कि अनुच्छेद 14 और 15 खंड ए के संवैधानिक बराबरी के अधिकारों का उल्लंघन है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। इस पर क्या फैसला होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। आपका इसके बारे में क्या सोचना है नीचे वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और देखते रहिए खबर आप तक।